रामानंद सागर की रामायण सफलता के बाद उत्तर रामायण शुरू की गई, जिसमें भगवान राम और माता सीता के बेटों लव और कुश की कथा थी। इस सीरियल को भी लोगों ने खूब पसंद किया, जिसमें लव कुश का किरदार निभाने वाले बाल कलाकारों ने आज्ञाकारी और साहसी लव कुश का किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाया। लोगों ने इसकी खूब सराहना की। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इस सीरियल को पूरे 34 साल हो गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बीते 34 सालों में लव कुश का किरदार निभाने वाले ये दो बाल कलाकार कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक। साथ ही अपनी फेवरेट सीरियल रामायण के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उत्तर रामायण सीरियल में कुश का किरदार निभाते नजर आए बाल कलाकार कोई और नहीं बल्कि स्वप्निल जोशी हैं, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1977 को मुंबई में हुआ। इसी के चलते इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से की। बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की बाल कलाकार के तौर पर साल 1989 में आए उत्तर रामायण सीरियल में कुश के किरदार से। अपने इस किरदार से सबके दिलों को जीता। इसके बाद इन्हें कई और सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। वही सीरियल में लव का किरदार निभाया था मयूरेश क्षेत्रमादे ने, जिनका जन्म हुआ 1976 को मुंबई में। इसी के चलते इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से की। बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1987 में आए उत्तर रामायण सीरियल से कर दी थी, जिसमें ये लव का किरदार निभाते नजर आए और लाखों करोड़ों लोगों को अपनी मोहनी छवि से दीवाना बना लिया। हालांकि इस शो के बाद इन्होंने किसी भी शो में काम नहीं किया और खुद को टीवी से दूर कर लिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रामायण सीरियल को आज 34 साल हो गए हैं। इन बीते 34 सालों में सीरियल में लव और कुश का किरदार निभाते नजर आए ये कलाकार बहुत बदल गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी की, जहां ये सीरियल में साधु के वेश में नजर आए, अपने कंधे पर धनुष लिए हुए, जिसमें ये वीर योद्धा और वीर पुत्र लग रहे थे। वहीं आज अपनी 45 साल की उम्र कम्प्लीट कर चुके हैं और काफी बड़े दिखते हैं। शर्ट पैंट से लेकर सूट बूट जैसे ड्रेसेस कैरी करते हैं, जिसमें ये बेहद हैंडसम दिखते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, साल 1997 में आए सीरियल अमानत में मेन लीड रोल के तौर पर इन्होंने करियर की शुरुआत की और कई सारे फिल्मों और सीरियल्स में काम किया। इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो जल्द ही साल 2021 में रिलीज होने वाली मूवी बली में अभिनय करते नजर आएंगे। वर्तमान में अपनी वाइफ लीना आराध्या के साथ मुंबई में खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब बात करें कुश का किरदार निभाने वाले मयूरेश क्षेत्रमादे की, तो इन्होंने आज अपनी 44 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। इसलिए जहां ये सीरियल में साधु के भेष में नजर आए और कंधे पर धनुष लिए हुए थे, जिसमें साक्षात एक वीर पुत्र लव की छवि दिखाई दे रही थी, वहीं आज ये बड़े होकर हर तरह के कपड़े कैरी करते हैं, पर पहले के मुताबिक क्यूट नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही आज एक्टिंग की दुनिया से दूर अपना एक बिजनेस चला रहे हैं और वर्तमान में सिंगल हैं। अपने मुंबई में रहकर बिजनेस की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो दोस्तों, आपको लव कुश का किरदार निभाने वाले इन दो बाल कलाकारों के बारे में जानकर क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।